नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। पश्चिम बंगाल के अंदर विपक्षी दलों के राजनेताओं के घरों पर हमले का सिलसिला बंद होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बैरकपुर के पूर्व लोकसभा सांसद अर्जुन सिंह के घर के ऊपर गोलीबारी की गई है और बम से भी हमला किया गया। हमले में वो घायल भी हुए, हालांकि वे अभी घर पर ही हैं और उनके घर पर पहले भी हमले होते रहे। साल 2021 में सितंबर के अंदर अर्जुन सिंह के घर पर कम से कम दो बार हमले किए गए और भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के घर पर आज शुक्रवार कई लोगों ने हमला किया और अर्जुन के घर के सामने आज शुक्रवार की सुबह कई गुंडे बाइक से पहुंचे थे। उन्होंने अचानक बमबारी शुरू कर दी और उनकी ओर से कई राउंड फायरिंग भी की गई। बम की आवाज़ सुनकर पूर्व सांसद जब घर के बाहर निकले तभी बम का एक टुकड़ा गिरकर उनके पैर पर लग गया और इससे वो घायल हो गए। फिलहाल क्षेत्र में काफ़ी तनाव है और घटना के बारे में अर्जुन सिंह ने यह बताया है कि इस घटना के लिए स्थानीय तृणमूल कांग्रेस पार्षद सोमनाथ श्याम का बेटा जिम्मेदार, उसका नामित सिंह नाम है। और भारतीय जनता पार्टी नेता ने यह भी कहा कि 15-20 बदमाशों के साथ मेरे घर के ऊपर हमला किया गया, मेरे सुरक्षा गार्ड पर भी हमला किया है और नवरात्रि की पूजा चल रही थी, मैं वहां पर था, अचानक शोर सुनकर मैं नीचे गया और गोलियां चली, इसी बीच बम एक बड़ा सा टुकड़ा आकर मेरे पैर में लग गया, लेकिन पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनी खड़ी रही है और ये उनके सामने होता रहा। गुंडों ने पहले ही हम पर हमला किया था और उनके खिलाफ NIA का केस भी था। आज फिर से बमबारी हुई है। हमले को लेकर अर्जुन सिंह ने सोशल मीडिया पर वीडियो को पोस्ट करते हुए ये कहा है कि आज सुबह जब सभी नवरात्रि की पूजा में व्यस्त थे तब NIA केस में आरोपी तृणमूल कांग्रेस के नेता स्थानीय पार्षद के बेटे नामित सिंह के संरक्षण में तथा स्थानीय पुलिस की निगरानी में कई जिहादी और गुंडों ने मेरे कार्यालय पर सह निवास मजदूर भवन पर भी हमला कर दिया। तो वहीं पर उन्होंने आगे ये भी कहा कि स्थानीय पुलिस हमले के दौरान मूक दर्शक बनी खड़ी रही जबकि गुंडे पुलिस के सामने खुलेआम हथियार लहरा रहे थे और इन गुंडों ने करीब 15 बम फेंके, एक दर्जन से अधिक राउंड गोलियां चलाई गई। पश्चिम बंगाल की पुलिस तृणमूल कांग्रेस के आगे कठपुतली बन गई है और ये बेहद ही शर्मनाक बात। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस पार्षद सोमनाथ श्याम ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मैंने ये सुना है कि अर्जुन सिंह खुद केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ मिलकर अपने गोलियां चला रहे हैं और बम फेंक रहे हैं, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, वो खुद को गोली मार रहे हैं, वह अराजकता पैदा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। पूर्व सांसद के घर पर हुए हमले की राज्य में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आलोचना की है। उन्होंने कहा कि आज सुबह सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से जुड़े कुछ गुंडे और समाज विरोधी लोगों ने उत्तर 24 परगना जिले के भाटपारा में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के घर पर हमला किया है और उन्हें देसी बम उनके घर पर फेंके गए। पुलिस पर निशाना साधते हुए अधिकारी ने कहा कि हमेशा की तरह पुलिस इस बार भी मूक दर्शक बनी रही और अपराधियों को रोकने के लिए कुछ भी खास प्रयास नहीं किया। वीडियो फुटेज अपराधियों की पहचान करने और उन्हें इस जघन अपराध के लिए गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त। मुझे ये उम्मीद है कि बंगाल पुलिस के DGP इन बदमाशों को पकड़ने के लिए कम से कम इन विजुअलों का इस्तेमाल करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ये पहली बार नहीं है जब पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अर्जुन सिंह के घर के ऊपर हमला किया गया है और साल 2021 में सितंबर के अंदर तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बम फेंककर हमला किया गया। इस हमले से एक हफ्ते पहले भी उनके घर पर बम से हमला हुआ, हालांकि देसी बम से हुए इस हमले में कोई भी घायल नहीं हुआ था। बहरहाल अब देखना होगा कि बंगाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ एक्शन लेती है और भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर किस तरह से राजनीतिक मुद्दे में भुनाने की कोशिश करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। छोटी बड़ी हर खबर आपको न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर मिलेगी। बने रहें न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।